चंबल नदी के किनारे पर मौजूद एक बड़ा रेत का टीला धीरे धीरे गायब होने लगा। कई वर्षों में धीरे धीरे बना यह टीला घड़ियाल के साथ अन्य कई वन्य जीवों का आशियाना बन गया था। यह टीला गायब क्यों होने लगा? भारी मशीनों की मदद से अंधाधुंध रेत खनन। नदी के सतह और किनारों से अत्यधिक रेत खनन की वजह से नदी की धारा बदल गई, किनारे खत्म हो गए और भारत तथा विश्व के कई गांव उजड़ गए। सामान्यतः नजरअंदाज कर दिए जाने वाले रेत का दोहन सबसे अधिक होता है पानी के बाद। खनन का कुप्रभाव लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र पर हो रहा है। ऐसे में उद्योगों के प्रभाव का सही आकलन करना और कानूनों का पालन कराना बड़ी चुनौती है। हमारा समाज इन प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। विश्व में हर साल 5 करोड़ मीट्रिक टन रेत और बजरी का इस्तेमाल होता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 18 किलो। आधे का इस्तेमाल सीमेंट और कंक्रीट बनाने में हो जाता है। हमारे स्मार्टफोन, कांच इत्यादि सभी में इसकी जरूरत होती है। चीन और भारत दो बड़े देश जहां रेत बनने की गति से अधिक इसका खनन किया जाता है। यहां निर्माण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी और समुद्र तट पर खनन होता है। भारत में रेत की मांग इतनी अधिक है कि कंबोडिया और मलेशिया जैसे देश से रेत का आयात किया जाता है। इससे वहां का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। सरकारी अनदेखी की वजह से रेत का अवैध खनन काफी फल फूल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण, पत्रकार और सरकारी अधिकारियों ने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की है और जान देकर इसकी कीमत चुकाई है। As courts, as even the policies, we are not too much focusing about sustainable mining or unsustainable mining. We are still on legal and illegal. So we need to shift that approach now, that whether the mining is sustainable or not. विश्व को रेत के विकल्प के तलाश के साथ साथ इसके सही इस्तेमाल के तरीके खोजते रहने होंगे। Looking at these different ways of reducing our sand requirement, one is looking at alternative materials, two looking at alternative techniques to reduce consumption of RCC. We in our buildings are able to reduce our sand consumption to 90-95% compared to the olden days. भारत और विश्व में ऐसी कोशिशें जरूर हो रही है, पर अभी राह लंबी है। पर सबसे पहले यह जाने कि यह रेत आखिर आता कहां से है। प्राकृतिक तरीके से बड़े पत्थर धीरे धीरे टूटकर बाहरी खोते हुए रेत बनते जाते हैं। ऊपर के क्षेत्र से नदी इन महीन टुकड़ों को बहाकर निचले इलाके तक ले आती है। एक नदी को बनाने में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि रेत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। रेत पानी को साफ करता है, इससे जैव विविधता भी बनी रहती है। अगर रेत का अत्यधिक खनन कर दिया जाए तो नदी अपना रास्ता बदल सकती है, फिर कहीं बाढ़ की समस्या आएगी तो कहीं सूखे की। एक नदी कई राज्यों से होकर बहती है और इसमें कई स्थानों पर रेत खनन किया जाता है। नदी में कहीं भी खनन हो, पूरे नदी की पारिस्थितिकी पर इसका असर होता है। भारत के हर राज्य में रेत खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया होती है। पर्यावरण इत्यादि के मद्देनज़र हर राज्य के स्वीकृति देने और खनन पर निगरानी रखने के अपने अपने नियम कायदे हैं। बावजूद इसके समूचे देश में रेत का अवैध खनन जारी है। नदी कई राज्यों और जिलों से होकर गुजरती है, इस वजह से नियमों का पालन कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। किरण पाल राणा किसान हैं और हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा के पास यमुना किनारे रहते हैं। यमुना की धार को बिल्कुल खोद के रख दिया है और यहाँ पर छोटी मशीनों के बजाय बड़ी बड़ी पोक लाइन जो के खनन के काम में लगी हुई हैं और यहाँ पर जो जलीय जीव थे, पशु पक्षी, यहाँ इनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है। और ये जो खनन विभाग के आदमी हैं, ये हमें धमकियाँ देते हैं किसानों को, छोटे छोटे गरीब लोगों को, कहें यहाँ से भाग जो इनको रोकने के लिए अपना क्या अवैध खनन मत करो, ये हमें मारने तक की धमकियाँ दे देते हैं। इस खनन क्षेत्र को एक बार नक्शे पर देखते हैं। लाल रेखा दर्शाती है कि खनन के लिए यहाँ तक अनुमति मिली थी, लेकिन असल में खनन कहीं आगे तक हो रहा है, जिससे नदी तहस नहस हो गई।
कोई रेत खदान अगर अनुमति के दायरे से अधिक गहरा या चौड़ा खोदा गया तो उसे अवैध माना जाएगा। साथ ही अगर अनुमति छोटी मशीन की है तो बड़ी मशीन का इस्तेमाल करना या अधिक रेत निकाला जाना अवैध की श्रेणी में आएगा। अंततः वैध या अवैध खनन की कीमत इंसान से लेकर पर्यावरण को चुकानी होती है। अवैध खनन से राज्य को रॉयल्टी का नुकसान होता है। अवैध खनन से निकला रेत और इससे बनाए गए पैसों का हिसाब नहीं होता, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। फलस्वरूप लोगों को रेत महंगी मिलती है और फायदा कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहता है। A lot of illegal sand mining has observed that there is connivance of police and district administration. So sometimes this is the biggest limitation. Like even if we get, you know, as a lawyer, when we go argue in the court, we get good orders from the court. There is no compliance at the district level because these are like big mafias. They are like, you know, these are like highly corrupted people. And even when we talk about compliance, when I say that they impose penalty or there is strict action being taken, they pick up people, you know, the villagers, the local inhabitants who are actually doing it because they want money, because they have to work somewhere. These are not those big mafias who are being put behind the jails. People who are doing mining at the field who are not responsible. It's the mining lease holders who are responsible. सरकार इस समस्या का समाधान किस तरह कर रही है? वर्ष 2016 में सरकार ने टिकाऊ खनन के लिए एक दिशा निर्देश प्रकाशित किया। इसमें अवैध खनन को रोकने की तरकीब पर बात की गई थी। नो माइनिंग जोन बनाने की योजनाएं भी इसमें शामिल थी, ताकि नदी और उस पर निर्भर प्राणियों को बचाया जा सके। खनन की निगरानी में आम और स्थानीय लोगों को शामिल करने पर जोर था, ताकि सब कुछ नियमानुसार हो, पर अवैध खनन अब भी जारी है। इन सब बातों के बावजूद यह स्पष्ट है कि रेत बहुत जरूरी है। शहरों में हो रहा निर्माण, आर्थिक विकास और अन्य लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तमाम शोध हो रहे हैं ताकि प्राकृतिक रेत का विकल्प खोजा जा सके या पुरानी सामग्री को इसके लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन विकल्प को समझने के लिए मोंगा बेहिंदी ने टिकाऊ डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्चर फर्म से बात की। Quarry dust, which is a byproduct of stone quarrying. So we use that as an alternative for sand. Apart from it, people have widely started using manufactured sand, that's M sand. You're reducing the virgin materials consumption and replacing it with the recycled fine aggregates. Given that there is no consistency in the kind of waste what we get, the segregation is also a challenge in the current days. अधिक से अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, ताकि इन विकल्प को मुख्य धारा की चीज बनाई जा सके। कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होनी ही चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक रेत और बजरी 21वीं सदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समस्या और लोगों की जागरूकता के बीच एक गहरी खाई है, जिसे जल्द से जल्द पाटने की जरूरत है। हमें समाधान खोजकर उसे लागू करना होगा, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ हो और वन्य जीवों का आशियाना भी ना छिने।